माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएमई चैनल। आज के इस वीडियो में हम विशाखापट्टनम गैस लीकेज को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। विशाखापट्टनम जो गैस लीकेज है, ये एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है जो एलजी पॉलीमर्स केमिकल प्लांट में आज सुबह 7 मई 2020 को हुआ है। और एलजी पॉलीमर जो है, ये आर वेंकटापुरम विलेज जो के गोपालापट्टनम के पास है, और ये सारा जो है विशाखापट्टनम के आउटर एरिया में लाई करता। और विशाखापट्टनम कहाँ पे लाई करता? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है, और इसमें जो ऑफिशियल फिगर्स हैं डेथ टॉल की, वो 11 हैं, और 1000 से ऊपर जो आदमी है वो इससे अफेक्ट हो चुके हैं। और बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि इथाइलिन बेंजीन, जिसे हम स्ट्राइन गैस बोलते हैं, वो लीक हुई है। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस गैस के साथ कुछ और गैसेस भी लीक हुई हैं, क्योंकि स्ट्राइन गैस इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकती। तो इसकी अब हिस्ट्री क्या है एलजी पॉलीमर्स इंडिया की? जो केमिकल प्लांट वेंकटापुरम गांव में है, ये 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका पहला नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर्स। और ये पॉलीस्ट्राइन और इसके जो को पॉलीमर प्रोडक्ट थे, या उसके जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स थे, उनको ये मैन्युफैक्चर करते थे। 1978 में इसको मैकडॉवल एंड कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया, और बाद में इसी मर्ज्ड कंपनी को साउथ कोरिया बेस्ड एलजी केमिकल ने ओवरटेक कर लिया, और इसका नाम एलजी पॉलीमर्स रख दिया। और ये सब कब हुआ? 1997 में। और अब इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो इसमें आंखों में जलन होती है, आपको सांस लेने में मुश्किल आती है, और अब तक इसमें पहले दिन ही 11 लोग हैं, जो ऑफिशियल फिगर के हिसाब से 11 लोगों की डेथ हो चुकी है, और 1000 के ऊपर आदमी है जो उसको गैस का एक्सपोजर हो चुका है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उनसे ये मालूम पड़ता है कि जे किसी टैंकर का जो गैस वॉल्व था वो माल फंक्शन कर गया, और गैस वहां से लीक हो गई। तो वहां पे हमारे पास दो केमिकल टैंक्स थे, और क्योंकि COVID-19 लॉकडाउन है और ये मार्च 2020 से लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ टेक्निकल स्टाफ में कमी कर दी, जिससे एक टैंक था वो अनअफेक्टेड रह गया, अनअटेंडेड रह गया। और जो वो अनअटेंडेड टैंक रह गया, उसमें से ये सारी प्रॉब्लम आई है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, उनकी ओपिनियन ये है कि ये जो स्ट्राइन है, ये अकेली स्ट्राइन इतना फैल नहीं सकती, स्प्रेड नहीं कर सकती, कुछ और गैसेस भी इसके साथ लीक हुई हैं। अब जब ऐसे एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, लोगों का नुकसान होता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज को सीरियस करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट्स को सीरियस करने के लिए, या जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको सीरियस करने के लिए, इनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। और पनिशमेंट के लिए हमारे पास एक एफआईआर जो लॉन्च की जा चुकी है लोकल पुलिस के द्वारा एलजी केमिकल के खिलाफ, और ये अलग अलग सेक्शंस के अंडर लॉन्च की गई है। ये सभी मैं पॉइंट्स, सभी ये जानता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये सभी पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, तो जब वो किसी भी केस में अगर उन्होंने कोई आर्गुमेंट करना है या किसी केस को अंडरस्टैंड करना है, एफआईआर की क्या इंपॉर्टेंस है, जो एफआईआर के बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अदालतों में बहस होती है। तो अंडर सेक्शन 278 मेकिंग, उसमें क्या है कि एटमॉस्फेयर जो है वो जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, और 284 सेक्शन है हमारा आईपीसी का, इसमें क्या है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइजनस सब्सटेंसेस, और 285 में क्या है कुताही बरतना कंबस्टिबल मैटर के मामले में, और 337 ये क्या है कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, लोगों के जीवन और उनकी जो निजी सेफ्टी है इसको एंडेंजर करने का हमारे पास जो एक्ट है वो 337 है। इसी तरह से 338 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एन एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग लाइफ, किसी को बुरी तरह से आहत करना किस काम के जरिए, बाय एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग ए लाइफ, और 304 कॉजिंग डेथ बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। ये सभी आईपीसी के अलग अलग धाराएं हैं,
और इनके अधीन जो एफआईआर है वो रजिस्टर की गई है। और एक बार मैं फिर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि एफआईआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अदालतों में कोर्ट में इसी के ऊपर बहस होती है और इसी के आधार के ऊपर सजाएं दी जाती है। हिंदुस्तान में एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का काम करता है और इसमें पटिशन फाइल कर दी गई है और उसमें एक डिमांड की गई है कि हाई लेवल इन्वेस्टिगेटिंग कोई कमेटी बिठाई जाए जो इसको सारे इंसिडेंट को राइट फ्रॉम द बेस अप टू द टॉप एनालाइज करे। और एक बेंच फॉर्म भी कर दिया गया है जिसमें एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी हैं और वो जो पहली सुनवाई है इसकी वो कल ही 8 मई 2020 कल 8 मई को करेंगे। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी है इसने एक नोटिस इशू कर दिया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसने नुक्ताचीनी की है इस इंसिडेंट की और बोला है ये राइट टू लाइफ की ग्रॉस वायोलेशन करता है। और यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट्स का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज है। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसिएबल होते हैं, इसके वायोलेशन के लिए कोर्ट में केस किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 के अंडर आप जो है एलजी केमिकल के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकते हैं। तो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है कि ये कैसे इंसिडेंट हुआ और इसके जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कैसे चल रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसी है, लोगों का ध्यान रखा भी जा रहा है कि लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये सभी काम हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये करता है। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है नॉर्मली ये कंपनसेशन दिलाता है। और हिंदुस्तान की ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दोनों ऑर्गेनाइजेशन इनकी इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी अच्छी रेटिंग है। और ये भारत में इतनी सीरियस जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हो चुकी है जो 2 और 3 दिसंबर रात को 1984 में हुई थी और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुई थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड क्या था, ये एक पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में था जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। तो इसको दुनिया का सबसे भयंकर इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है और इसमें 5 लाख के पास जो लोग हैं वो एक्सपोज हो गए थे। और जो गैस थी, जो कल्प्रिट गैस थी, वो थी मिथाइल आइसोसायनेट गैस। तो 2008 में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को इनको कम इनकी जो अफेक्टेड फैमिली थे, जो इंडिविजुअल अफेक्टेड थे, उनको उनको कंपनसेशन देनी पड़ी और जिनकी डेथ्स होगी उनको भी और जिनको पार्शियल इंजरीज आई उनको भी उन्होंने कंपनसेट किया। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो एंड करने से पहले भगवान के आगे अरदास करता हूँ कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो और इंडस्ट्री को एक ऐसा लेसन सिखाया जाए ताकि जो वो अपनी सेफ्टी मेजर्स है वो अप्रोप्रिएटली अडॉप्ट करें, क्योंकि इंडस्ट्री की नेगलिजेंस के कारण जो कॉमन मैन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो हमारा फ्लोरा और फौना, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई प्रॉमिस टू गिव यू द नेक्स्ट वीडियोज वेरी सून। हमारी बड़ी लंबी ब्रेक पड़ गई थी और अब हम लगातार आपको कॉन्स्टेंट वीडियोज जो करंट इवेंट और हिस्ट्री और जो हमारे पास फिजिक्स के ऊपर भी आपको वीडियो देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम।